हेलो दोस्तों, एडवांस कंपनी का 220 हेमा ड्रिल मशीन। आप मशीन को पहले देखिए, इसमें होल बीट यूज़ किए हैं। तो ये जो होल बीट है ना, मैनुअल ड्रिल मशीन में डाल के इसमें कटिंग करना था। इसमें हेमा ड्रिल में इसको फिटिंग किए हैं। कैसे फिटिंग किए है आपके साथ हम शेयर करते हैं। फिटिंग करने के बाद ये लॉक हो गया, बढ़िया से तो मूव हो रहा है, बढ़िया से बाहर नहीं हो रहा है। तो मेरे पास लेके आया है इसको खोलने के लिए। मैंने जब मशीन को देखा, मैं भी हैरान हो गया, ऐसे कैसे कोई फिटिंग कर सकता है। मैं इसको कैसे खोले है, तो हम ऐसे तो खोल नहीं पाएंगे। मैंने उसको बोला, भैया हम इसको खोल पाएंगे कटिंग करने के बाद। उसने बोला, मशीन को हमें चलाना है और भी कुछ काम करना है, आप कुछ भी करके मेरे मशीन को ठीक कर दो। मैंने देखा इसको कटिंग करना है, तो एंगल ग्राइंडर से कटिंग करके इसको बाहर की है। जो भी मैंने किया है आपके साथ शेयर करते हैं, पूरा वीडियो को आप देखिए। अभी कटिंग मैंने कर लिया है। कटिंग करने के बाद हम बढ़िया से इसको खोल पाएंगे। देखिए, मैंने कटिंग कर ली है, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, बीट कटिंग करने के बाद हम इसमें चॉक होल्डर को भी बाहर कर पाएंगे और बीट का जो टूटा वाला हिस्सा है ना, वो भी बाहर कर सकते हैं। तो इसमें आप एक चीज़ देखना, ये मशीन कौन सा मशीन में इसको फिट करके चलाना था, हम आपको वो भी दिखा देंगे। पहले उसको खोलते हैं। सभी मशीन जैसे ओपन करते हैं, ऐसे हम मशीन को ओपन कर लेते हैं।
मैंने मैसन को ओपन कर लिया है, जिसे प्रेस करने से कबार बाहर हो गया है। मेरे पास कास्टोबार भी है, उसको भी हमें देखना है, तो हम ओपन कर लिया है उसको। हम दिखा देते हैं ये कैसे लॉक हो गया है। अरे ये बीट इस मशीन का नहीं है, तो दूसरे मशीन का है, इसमें फिटिंग कर रहे हैं ज़बरदस्ती, तो इसको ऐसे ही बैठा दिया। तो हाँ आपको दिखा देते हैं, देखिए दोस्त, देखिए इसमें तीन कट दिखाई देगा आपको। तो मैनुअल जो चॉक फिटिंग होता है ना, उसी में ये ड्रिल फिटिंग करके मशीन को चलाना था। मेरे पास मशीन रखा हुआ है, हम आपको वो मशीन भी दिखा दे। ऐसे आपको मशीन लेना है, इसमें तीन जहाँ पे चॉक में फिट होता है ना, इसी मशीन का वो होल बिट था। ड्रिल मशीन में इसको फिटिंग करके चलाने से ऐसे लॉक हो गया है, तो बड़े से बाहर नहीं हो रहा है। तो हमें इसको खोलना भी है, तो हमें इसको ठोक के खोल सकते हैं, तो ऐसे नहीं बाहर होगा। तो अंदर से जो पिस्टन था, तो उसको बाहर करने के बाद हमें इसमें जंपिंग बूस है, उसको हमें बाहर करना है। तो ऐसे इसको डबल लेना है, तो धीरे से प्रेस करके हमको बाहर करना है। अब जब भी ये काम करते हो, थोड़ा सावधानी से आपको करना चाहिए। मेरे जो इसका डबर है ना, एक बार स्लिप हो गया था, मेरे हाथों में घुस गया था, तो हाफ हाथों को बचा के थोड़ा काम को करना है। देखिए इसमें जो एक सर क्लिप होता है ना, आपको धीरे से पेस करके अंदर डालना है। हम आपको देखा देते कैसे आपको ओपन करना है, तो मैंने उसको आगे की ओर इसमें ऐसे होल में इसको पेस करके अंदर ऐसे कर लिए। देखिए तो आपको ऐसे ही थोड़ा बाहर करना है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको ऐसे ही, उसके बाद आपको प्लास के मदद से खींच के बाहर करना है। देखिए बढ़िया से बाहर हो गया है। तो ये जो सर क्लिप है ना, इसको हमें बाहर करना है, इसके अंदर जंपिंग बूस लॉक है, तो हम जंपिंग बूस भी बाहर कर लेते हैं, तब हम बढ़िया से खोल पाएंगे। देखिए जंपिंग बूस भी बाहर हो गया है। देखिए इसमें अभी बीट को हम ठोक के बाहर कर पाएंगे, तो एक छोटे से रॉड डाल के धीरे से ठोकने से बाहर हो जाएगा। सभी मशीन का बीट जैसे लॉक हो जाता है ना, कैसे खोलते हैं सेम प्रोसेस होता है। तो धीरे से ऐसे कुछ रॉड डालने के बाद धीरे से ठोकने से बड़े से ओपन हो जाएगा। धीरे से ठोकने से बाहर हो गया है। देखिए जो कटिंग किया था उसका टूटा वाला हिस्सा जो है ना, देखिए ऐसे बाहर हो गया है। तो ऐसे इसको फिटिंग, जो मशीन का बीट है उसको ऐसे ही फिटिंग कर दिया, धीरे से इसका फिटिंग किया, उसके बाद हैमर से ठोक के और भी लॉक कर दिया। तो कोई मिस्त्री ऐसे भी काम करता है, मैंने पहली बार देखा है। ये मशीन को मार्बल मिस्त्री ने चला रहा था, किसी से मशीन मांग के लेके आया, उसके बाद ऐसे फिटिंग करके मशीन को चलाया। तो आपको जानकारी नहीं होता है, तो जो मशीन को चलाते हैं उसी से आप काम कर लीजिए, नहीं तो ऐसे गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो आपका बीट है ना, मैंने खोलने के लिए बीट को कटिंग किए, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कोशिश किया था उसको खोलने के लिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त था उसको, हम खोल नहीं पाए।
कटिंग करने के बाद मैंने खोल पाए हैं। तो खोलने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, नहीं तो आपको भी पता है तो ऐसे कैसे खोलना है मेरे को कमेंट करके बताना, दोबारा से ऐसे गलती से हम सुधार कर सकते हैं। मेरे पास कस्टमर भी है, वो भी बीट को देख रहे हैं, उसको भी पता नहीं था ऐसे वो भी लॉक कर देगा। तो उसने बोला इसमें बीट तो लॉक होता है, उसमें बॉल होता है, तो धीरे से पुश करने से खींचने से बाहर हो जाता है, ऐसे क्यों हो रहा है उसको भी पता नहीं था। तो ये बीट वो उसने ही खरीदने को बोला था, आप बीट को खरीद लीजिए, मशीन में हम चला के इसको कटिंग कर पाएंगे। तो जानकारी नहीं होने से ऐसे गलती हुआ है। तो आपको इस वीडियो से हम बताने की कोशिश की है, तो मशीन को हम फिटिंग कर लेते हैं। पिंग बुश को फिटिंग करने के बाद जो सर्कलेप हम ओपन किया था उसी को हम अंदर धीरे से डालने के बाद स्क्रूड्राइवर से मदद से उसको फिटिंग कर लेते हैं। धीरे धीरे प्रेस करके अंदर डालना है। देखिए बढ़िया से फिटिंग हो गया है, ऐसे लॉक होता है तो हमें इसे धीरे से प्रेस करके बाहर करना है। देखिए अंदर तक फिट हो गया है, धीरे से हम आगे पीछे करने से उसमें साउंड भी होते हैं, वही हम चेक कर रहे थे। मैंने देखा इसमें जो पिस्टन है ना उसमें कंप्रेसर कम लग रहा है, तो हमें उसको ओरिंग को भी चेंज कर देते हैं। जो पुराना वाला ओरिंग है उसको हम खोलने के बाद इसमें नया वाला ओरिंग हम फिटिंग कर लेंगे। थोड़ा साफ करने के बाद इसमें हम नया वाला ओरिंग फिटिंग कर लेते हैं। हम इसमें थोड़ा ग्रीसिंग कर लेते हैं, पिस्टन के अंदर भी ग्रीसिंग करते हैं, थोड़ा ऑयल भी हम इसमें डाल लेते हैं। ग्रीसिंग हो जाने के बाद मशीन को हम फिटिंग कर लेते हैं। मशीन फिटिंग हो गया है, मशीन को हम चला के देखते हैं।
दिन बड़े से चल रहा है तो इसमें चौक को हम फिटिंग कर लेते हैं। देखिए 220 हैमर ड्रिल मशीन में जो सर क्लिप होता है ना, टूल होल्डर के साथ हम फिटिंग करते हैं, बढ़िया से फिट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से उसको हमें फिटिंग करना पड़ता है। मैंने इसमें एक पाइप लेते हैं, पाइप के अंदर ऐसे धीरे से प्रेस करने से अंदर चला जाता है, थोड़ा तकलीफ़ मिलते हैं। तो कैसे मैं फिटिंग की है आपके साथ हम शेयर करते हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो। मैं इसको डाइवर से इसको फिटिंग करते थे एक दिन, क्या हुआ ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके मैंने उसको फिटिंग कर रहा था, स्क्रू ड्राइवर स्लिप होने के बाद मेरे हाथों पे स्क्रू ड्राइवर घुस गया था, तो मैंने पाइप से इसको थोड़ा प्रेशर देके उसको फिटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना तकलीफ़ मिलते हैं, तो इसलिए हम आपको दिखाया है। आपको भी ऐसे जो काम होता है ना, पाइप देके इसको धीरे से पुश कर लेना, उसके बाद धीरे से फिटिंग कर लेना। इसके अंदर एक बॉल होता है, बॉल को हम एडजस्ट करके फिटिंग कर लेते हैं। बड़े से चल रहा है, मैंने फिटिंग भी बड़े से कर लिए है। देखिए ये भी लॉक हो गया था, बड़े से बाहर कर दिया है।